समस्तीपुर की पुलिस ने समकालीन अभियान में कई अपराधियों को गिरफ्तार किया। वैशाली के जंदाहा लूटकांड का भी समस्तीपुर की पुलिस ने किया है खुलासा। समस्तीपुर एसपी के निर्देश पर समस्तीपुर के जिला भर में पुलिस ने समकालीन अभियान चलाया। इस दौरान कई अपराधियों को पुलिस ने धर निकाला। बताया जाता है कि 6 जनवरी 2020 को हलई ओपी के डिहिया पुल के पास थाना जंदाहा जिला वैशाली से अज्ञात अपराधियों के द्वारा हथियार के बल पर मोटरसाइकिल एवं सैमसंग कंपनी का मोबाइल पर्स आदि ले लिया गया था। इस संबंध में ताजपुर थाना में भी मामला दर्ज है। घटना के सफल उद्भेदन एवं संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पटोरी को निर्देशित किया गया था। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पटोरी के द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया। संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की गई। इस टीम के द्वारा सूचना का तकनीकी अनुसंधान किया गया और महज 6 दिनों के अंदर इस कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन करने में पुलिस ने सफलता अर्जित की। कांड में संलिप्त 5 अपराधियों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से इस कांड में लूटी गई मोटरसाइकिल एवं मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त अन्य मोबाइल सहित चोरी के एक अन्य मोटरसाइकिल, मैगजीन लगा पिस्टल तथा 2 जिंदा गोली भी बरामद किए गए। समस्तीपुर में एसपी विकास बर्मन ने पत्रकारों को बताया कि अभियान के दौरान कई अन्य मामलों के वारंटियों को भी गिरफ्तार किया गया है। में विशेष अभियान चलाया गया। गंभीर शीर्षों के कांडों में जो अभी फरार चल रहे हैं या गंभीर घटनाएं हुई हैं उसमें सभी अनुमंडल में अभियान चलाया गया, जिसमें विशेषकर पटोरी अनुमंडल से अच्छी उपलब्धि है, जिसमें हलई ओपी अंतर्गत दिनांक 6/1/2020 को एक घटना हुई थी जिसमें हलई थाना कांड संख्या राजपूत 9/20 दर्ज किया गया। उसके अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उन्होंने हथियार का भय दिखाकर पैशन प्रो मोटरसाइकिल, मोबाइल, पर्स इत्यादि पैसा लूट लिया था। विद्यापति थाना पुलिस के द्वारा एक मर्डर केस का अभियुक्त जगन्नाथ राय को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कांड संख्या 72/19 में फरार चल रहा था। उसके अलावा विभूतिपुर पुलिस और दलसिंह सराय पुलिस के संयुक्त अभियान में दलसिंह सराय थाना कांड संख्या 62/14 में जो एक डकैती की घटना है उसमें एक अभियुक्त फरार चल रहा था प्रशांत यादव, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा पूरे जिले में जो अभियान चलाया गया उसमें 50 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। उसके अलावा 2000 के करीब देशी और विदेशी शराब की बरामदगी पूरे जिले में की गई।